नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कोरोना महामारी के मद्देनजर बंद किए गए सभी स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। बिहार में सोमवार से लगभग 39,000 सरकारी और निजी विद्यालय खुलने वाले हैं। इन स्कूलों के कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के 50% बच्चे ही प्रतिदिन विद्यालय जाएंगे, बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन विद्यालय जाएंगे। हालांकि शिक्षकों की मौजूदगी रोज 100% ही रहेगी। वहीं अधिक नामांकन वाले स्कूल 2 पालियों में चलेंगे। हर पाली का समय परिस्थिति के मुताबिक तय किया जा सकेगा। आपको बता दें कि 29 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के राज्य के सभी मध्य विद्यालयों को खोल दिया जाएगा। वहीं 5 फरवरी को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मध्य विद्यालयों को खोलने के संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया। राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक विद्यालयों में सामाजिक व भौतिक दूरी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। स्कूलों में ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिनमें भौतिक व सामाजिक दूरी टूटे। समारोहों व त्योहारों के आयोजन से स्कूलों को दूर रहना होगा। प्रार्थना सत्र का आयोजन सामूहिक रूप से नहीं होगा। इसकी जगह हर कक्षा में शिक्षक की देखरेख में विद्यालय असेंबली हो सकेगी। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि विद्यालय या उससे नजदीक में स्वास्थ्य परीक्षक, नर्स, डॉक्टर और काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। शिक्षक एवं विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2-2 मास्क जीविका के माध्यम से दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालयों में आकस्मिक सुरक्षा संबंधी तैयारी करने के लिए टीम गठन करने का निर्देश भी दिया गया है। ये टीमें विद्यालय के सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होंगी। इस टीम में विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधित स्थिति और अद्यतन यात्रा से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। आपको बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा में 2 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था 6 फीट की दूरी पर होगी। वहीं अगर स्कूल में 1 सीट का बेंच डेस्क हो तो उसे भी 6 फीट की दूरी पर रखना होगा। बताया गया है कि स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष, आगत कक्ष में भी बैठने की व्यवस्था इतनी ही दूरी पर की जाएगी। विद्यालयों में प्रवेश एवं निकास द्वार से वर्गों के विद्यार्थी क्रमवार जाएंगे आएंगे ताकि भीड़ जमा ना हो। वर्ग कक्ष का साइज छोटा होने पर कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का इस्तेमाल भी छात्रों के बैठने के लिए किया जाएगा। गाइडलाइन में स्कूल खुलने के पूर्व और बाद की तैयारियों को भी स्पष्ट किया गया है। स्कूलों में साफ सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मामीटर, साबुन आदि की व्यवस्था विद्यालय शिक्षा समिति करेगी। स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल कैंपस की रोजाना साफ सफाई करनी होगी। स्कूलों में बाहरी वेंडरों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बच्चे घर से पका हुआ लंच लेकर जाएंगे। स्कूल में पानी एवं साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुंडी, डैशबोर्ड, बेंच, डेस्क को निरंतर सैनिटाइज करना होगा। स्कूल बसों को रोजाना 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। विद्यार्थियों को जिन चीजों से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। फेस मास्क न खोलें, विशेषकर जब समूह में हो। एक दूसरे से मास्क की अदला बदली न करें। इधर उधर न थूकें। आंख, कान, नाक, मुंह को न छुएं। आपस में भोजन साझा नहीं करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।